Hey, welcome in the 11th funda of Castlefly funda. Well, आप सबने भी कहीं ना कहीं पजल रिलेटेड गेम्स तो खेली होंगी, राइट? रिमेम्बर बचपन में ब्लॉक्स वाली पजल गेम, उसके बाद मोबाइल में या फिर शायद न्यूज़पेपर में भी खेली होंगी, और इवन स्कूल्स और कॉलेजेस की कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पजल सॉल्व करने होते हैं, इज़न्ट इट? पर क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स पजल्स, दुनिया के सबसे हार्डेस्ट पजल्स एवर क्रिएटेड ऑन द इंटरनेट कौन से है? सिकाड़ा 3301. सिकाड़ा 3301 के पजल्स दुनिया के सबसे हार्डेस्ट पजल्स एवर क्रिएटेड ऑन द इंटरनेट में से एक है. सिर्फ हार्डेस्ट पजल नहीं, पर सिकाड़ा 3301 दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक भी मानी जाती है. सिकाड़ा ने अभी तक में टोटल 3 पजल्स अपलोड किए हैं, जिनमें से 2 पजल्स सॉल्व हो चुके हैं और तीसरा अभी भी अनसॉल्व्ड है. और एक्चुअली हम यहाँ कोई स्टोरी डिस्कस नहीं करने वाले, आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिकाड़ा 3301 के तीनों पजल्स को, और वो भी फुल इन डेप्थ डिटेल में. और एक्चुअली एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत ऊपर से चला गया, तो डोंट वरी ब्रो, क्योंकि ऊपर से नहीं जाएगा तो दुनिया का हार्डेस्ट पजल कैसे होगा, राइट? सो वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिकाड़ा 3301. आज जनवरी 2012 को 4chan, जो एक सोशल मीडिया साइट है जहां पर लोग सिर्फ इमेजेस पोस्ट करते हैं, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, इस पर एक एनोनिमस यूजर ने एक रैंडम इमेज अपलोड की जिसमें लिखा था कि हम कुछ हाईली इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं और इसके लिए हमने एक टेस्ट रखी है. इस इमेज में एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है. आगे का रास्ता आपको ये इमेज ही बताएगी. गुड लक 3301. एट फर्स्ट इस इमेज को देखकर हमें कुछ पता नहीं चलता, पर जब हम इस इमेज को किसी टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल नोटपैड में ओपन करेंगे, तो इसके एकदम नीचे हमें सीजर साइफर मिलेगी. साइफर मतलब एक ऐसी लाइन जिसका कोई मतलब बनता हो, उसे कोई पर्टिकुलर मेथड के जरिए उल्टा फुल्टा करके जिब्रिश, यानी ऐसा बना दिया जाता है कि कोई इसे पढ़ ही ना पाए. इस लाइन को हम क्रिप्टिक भी कहते हैं. तो अब इस लाइन को डिसाइफर करने के बाद ये एक लिंक बन जाती है, जिस पर क्लिक करने से हमें एक इमेज मिलती है. एट फर्स्ट इस इमेज को देखकर भी हमें कुछ पता नहीं चलता, पर इस इमेज में आउट गैस, ये दो वर्ड्स हमें हिंट देती है. आउट गैस एक एप्लीकेशन है, स्टिग्नोग्राफी एप्लीकेशन. स्टिग्नोग्राफी मतलब कोई टेक्स्ट या फिर पूरी की पूरी फाइल को इमेज के अंदर हाइड कर देना. इसलिए इमेज को आउट गैस एप्लीकेशन में डालने से हिडन मैसेज मिलता है, जिसमें कुछ कोड्स और एक लिंक है. कोड्स को हम बाद में देखेंगे, पर ये लिंक हमें रेडिट वेबसाइट पर लेकर जाती है. रेडिट भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, जैसे कि फेसबुक. यहाँ पर एक एनोनिमस यूजर ने एक दो नहीं पर 128 रैंडम पोस्ट अपलोड कर दिया. अब यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात यह है कि किसी भी पोस्ट के टाइटल्स का कोई मतलब ही नहीं बनता. इन पोस्ट में ना कोई इमेजेस है, ना किसी ने कोई कमेंट की है, ना कोई कंटेंट है, सिर्फ जिब्रिश. पर इन 128 में से 2 पोस्ट में हमें इमेजेस मिलती है. अब ये इमेजेस भी काफी सिंपल दिखते हैं, पर इन दोनों इमेजेस को आउट गैस करने से हमें हिडन मैसेजेस मिलते हैं. अब यहाँ पर भी एक वेर्ड बात यह है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कोई हिंट नहीं, पर सिकाड़ा ने एक वार्निंग दी है. सिकाड़ा पजल पूरी दुनिया में वायरल हो चुके थे, तो ऑब्वियसली कुछ लोग सिकाड़ा के नाम पर फेक पजल्स बनाएंगे, राइट? इसी वजह से अब सिकाड़ा हर एक इमेज में हिडन पीजीपी सिग्नेचर रखेगा, जिसे वेरीफाई करने से यूजर को पता चल जाएगा कि ये इमेज डायरेक्टली सिकाड़ा की तरफ से आई है. बस इन इमेजेस में और कोई हिंट नहीं है, इसलिए हम फिर से रेडिट वेबसाइट पर चलते हैं, जहां पर बहुत सारी पोस्ट है पर जिसका कोई मतलब नहीं बनता. कुछ दिन बाद एक इंडिविजुअल ने इस सब रेडिट के हेडर पर ध्यान दिया, तो ये है माया निम्रस, और यही कोड्स की मदद से हम इन जिब्रिश को डिसाइफर करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं. सारे सेंटेंस को मिलाकर एक पूरा पेज बन जाता है, जो इस बुक में से लिया गया है. अब स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इन कोड्स को बाद में देखेंगे, ये कुछ और नहीं बुक कोड्स है. 120 मतलब पहली लाइन का 20वां कैरेक्टर. इस तरह से सारे बुक कोड्स को डीकोड करने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है. कॉल अस एट टेलीफोन नंबर 214390-9608. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com to find the next step. Good luck. Goodbye. रिकॉर्डिंग में दिए गए मैसेज के हिसाब से सबसे पहले बिगिनिंग में हमें जो इमेज मिली थी, इसमें 3 नंबर छुपे हैं.
13301 और बाकी दो हमें ढूंढने हैं, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमें एक वेबसाइट मिलेगी। पर ये दो नंबर्स ना तो हमें इमेज आउटगेस करने से मिलते हैं और ना ही कोई टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने से। छुपे हुए दो नंबर इमेज के डायमेंशन है, विड्थ और हाइट। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके www और .com लगाने से ये एक लिंक बन जाती है। लिंक पर क्लिक करने से हम एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं जहां सिकाड़ा का इमेज और नीचे काउंटडाउन चल रहा है। काउंटडाउन के खत्म होने के बाद कुछ नहीं हुआ, पर फिर एक इंडिविजुअल ने इस सिकाड़ा के इमेज को आउटगेस करके देखा तो 14 डिफरेंट लोकेशंस के कोऑर्डिनेट मिले। 14 लोकेशन पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इसलिए पजल सॉल्वर्स को अब सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठकर नहीं पर पूरी दुनिया घूमनी है। नेक्स्ट हिंट के लिए सारे लोकेशंस पर एक पोस्टर मिलता है जिसमें सिकाड़ा का इमेज प्लस एक QR कोड है। सभी QR कोड को स्कैन करने के बाद हमें दो कॉमन मैसेजेस मिलते हैं जिसमें ऊपर एक पोएम लिखी है और नीचे कुछ कोड्स। ये पोएम हमें एक बुक तक ले जाती है और ये बुक कोड्स को डीकोड करने से हमें एक लिंक मिलती है। लिंक हमें डार्क वेब में लेकर जाती है। जो पजल सॉल्वर्स इस साइट पर सबसे पहले पहुंचते हैं उन्हें सिकाड़ा के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, और सिर्फ कुछ ही टाइम बाद वेबसाइट शट डाउन हो जाती है एक मैसेज के साथ, वी वॉन्ट द बेस्ट Not the followers। मतलब जो पजल सॉल्वर्स थोड़े लेट हो गए उनके लिए बाय बाय। और कुछ दिन बाद सिकाड़ा ने एक इमेज अपलोड करके कंफर्म कर दिया कि हमें जो हाईली इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत थी वो हमें मिल चुके हैं और आगे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। पर जिन इंटेलिजेंट लोगों को सिकाड़ा ने एक्सेप्ट कर लिया उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। हाँ, उनमें से एक दो लोगों ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, पर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इवन सिकाड़ा के पीछे ये कॉम्प्लेक्स पजल बनाने के पीछे कोई इंसान है या फिर पूरा ग्रुप है ये भी किसी को नहीं पता। क्यों जरूरत है उसे इतने इंटेलिजेंट लोगों की, एवरीथिंग रिमेन्स मिस्ट्री। वेल, मिस्ट्री तो ये तब बनती अगर सिकाड़ा कोई पजल ही अपलोड नहीं करता। पर वंस अगेन 5 जनवरी 2013 को राउंड 2 स्टार्ट होता है। सिकाड़ा ने फिर से एक इमेज अपलोड कर दी थी जिसमें लिखा था कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स की सर्च फिर से शुरू होती है। फर्स्ट क्लू आपको इमेज के अंदर ही मिलेगा, गुड लक 3301। पहले इमेज को आउटगेस करने से हिडन मैसेज मिलता है जिसमें एक पोएम जो हमें बुक तक ले जाती है, फिर वंस अगेन इन बुक कोड्स को डीकोड करने से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है जो एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करने से एक फाइल डाउनलोड होती है जिसमें एक म्यूजिक फाइल भी मिलती है, द इंस्टार इमर्जेंस। कुछ पजल सॉल्वर्स म्यूजिक का डिटेल एनालिसिस करके एक इमेज क्रिएट करते हैं। इमेज को आउटगेस करने से एक हिडन मैसेज अनकवर होता है। अब फिर से एक वेर्ड पॉइंट आया कि इस बार इमेज में कोई हिंट नहीं पर सिर्फ खाली जगह है। बट यू नो, जो पजल सॉल्वर्स यहाँ तक पहुँच गए वो ऐसे ही क्विट थोड़ी ना करेंगे, isn't it? खाली जगह छोड़ने के लिए हम स्पेस या फिर टैब प्रेस करते हैं, राइट? ये खाली जगह स्पेस या टैब छोड़कर बनाई है, इसका एनालिसिस करके उसे बाइनरी से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें एक लिंक मिलती जो हमें डार्क वेब में लेकर जाती है। और पहले पजल की तरह ही वेबसाइट पर हमें 8 लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। हर लोकेशन पर सिकाड़ा का पोस्टर मिलता है जो हमें फाइनल डार्क वेब की वेबसाइट पर लेकर जाता है। एंड वंस अगेन जो लोग वेबसाइट पर सबसे पहले पहुंचते हैं उन्हें सिकाड़ा में शामिल कर लिया जाता है, और जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं उनके लिए बाय बाय। दो हजार 12 और 13 के बाद 2014 में टाइम है राउंड 3 के लिए। 6 जनवरी को वंस अगेन सिकाड़ा ने एक नया पजल लॉन्च कर दिया था। इमेज को आउटगेस करने से मिलती है एक पोएम, पोएम ले जाती है एक बुक तक, सारे बुक कोड्स को डीकोड करने से मिलती है एक लिंक। अब यहाँ पर पजल ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। जैसे हम पजल में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे हमें टोटल 5 डार्क वेबसाइट की लिंक मिलती है, और सभी लिंक्स पर कुछ रून लैंग्वेज में लिखे पेजेस मिलते हैं। टोटल पेज काउंट होते हैं 70।
1984। इन 74 पेजेस को मिलाकर एक बुक बनती है लिबर प्रिमोस। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस रून लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट? रॉन्ग। रून लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत ही टफ, बहुत ही कम्प्लेक्स है। प्लस इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेट करने के बाद भी जो टेक्स्ट मिलता है वो हाईली क्रिप्टिक है। क्रिप्टिक मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेंटेंस को उल्टा फुल्टा करके ऐसा बना दिया जाता है कि कोई उसे पढ़ ही ना पाए। और इसी वजह से 4 साल बाद भी टोटल 74 पेजेस में से 58 पेजेस आज भी अनसॉल्व्ड है। में सिकाड़ा का ये लास्ट पजल था। लोगों का कहना था कि जब तक लिबर प्रिमोस सॉल्व नहीं हो जाती तब तक सिकाड़ा नेक्स्ट पजल रिलीज नहीं करेगा। और ये बात सिकाड़ा ने खुद कंफर्म कर दी 2016 में एक मैसेज के साथ कि एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और वो है लिबर प्रिमोस। इसके बाद IRC चैनल्स, जहां पर पूरी दुनिया के सारे पजल सॉल्वर साथ मिलकर सिकाड़ा सॉल्व करते थे, वो IRC चैनल्स भी धीरे धीरे बंद हो गई। पूरी की पूरी कम्युनिटी ने गिव अप कर दिया, और इसीलिए आज भी लिबर प्रिमोस अनसॉल्व्ड है। पर उनके साथ क्या हुआ जिन लोगों को पहले से ही सिकाड़ा के ग्रुप में शामिल कर दिया था? वेल, हमें सबके बारे में तो नहीं पता, पर कुछ लोग जिन्हें सिकाड़ा में शामिल कर लिया था उनके प्राइवेट ईमेल्स पिछले 4 सालों में लीक हो चुके हैं, जिसमें सिकाड़ा की आइडियोलॉजी के बारे में लिखा था कि उनका मकसद क्या है, और कुछ वार्निंग्स भी थी कि इन डिटेल्स को किसी और के साथ शेयर मत करना। बट ऑब्वियसली सभी लोगों ने ये बात नहीं मानी, और मार्कस वॉर्नर, जिसे सिकाड़ा ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसने एक इंटरव्यू में बता दिया कि उसके साथ और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ। बेसिकली मार्कस के मुताबिक कुछ 20 लोगों को एक्सेप्ट किया गया था, और सभी लोगों को डार्क वेब की एक फोरम में बुलाकर किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर काम करने को बुला गया। फोरम में सिकाड़ा की तरफ से भी एक मेंबर उनके साथ चैटिंग करता था, पर उसने कभी कोई प्राइवेट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी शेयर करता था कि हम इंटरनेट सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी जैसी चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं। पर कॉमन सेंस है, उसके लिए इतना बड़ा कांड करने की क्या जरूरत है, कुछ एम्प्लॉयज हायर कर लेते हैं। गुड बुक। मार्कस के मुताबिक सभी लोग जो उस फोरम में साथ काम करते थे धीरे धीरे उन्होंने भी इंटरेस्ट खो दिया, और कुछ महीने बाद फोरम में मार्कस के साथ सिर्फ 1-2 लोग ही बचे थे। फिर अचानक एक दिन डार्क वेब की फोरम शटडाउन हो गई, और उसके बाद सिकाड़ा की तरफ से कभी कोई मैसेज नहीं आया मार्कस को। वंस अगेन, सिकाड़ा 3301 के पीछे ग्रुप है या फिर कोई इंडिविजुअल जो ये सब खेल खेल रहा है? क्यों चाहिए उसे इतने इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स? और कौन से राज खुलेंगे जब लिबर प्रिमोस पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी? ये सब एक मिस्ट्री है। आपका ओपिनियन क्या है सिकाड़ा के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी सिकाड़ा पजल्स के बारे में जान सके। इस वीडियो को लाइक, और नए हो तो गेट्स इट फ्लाई फंडा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय।